फिर से इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई है। सुबह रात तक तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और सुबह उठते ही इतनी भयंकर बारिश हो गई है। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और वैसे ही कोहरा भी लगा हुआ है। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पहाड़ में। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप मौसम देख सकते हैं, हमेशा की तरह बारिश है। और कल तो मौसम थोड़ा साफ था लेकिन आज फिर से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और फिर से इतनी भयंकर बारिश हो गई है। आप देख सकते हैं किचन तक नहीं जा सकते हैं, ऐसा में किचन तक नहीं जा सकते हैं, ऐसा हो रहा है कि अभी किचन में कैसे जाना है। और बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और अभी तक मैं सिर्फ उठी हूँ और उठने के बाद मैंने तो चाय भी नहीं बनाई, तो फिलहाल तो कोशिश करते हैं कि मैं किचन में कैसे भागूँ। और अभी किचन में जाती हूँ, उसके बाद अभी तो लाइट भी नहीं है यहाँ, तो क्या होगा, बिना लाइट के ही करना पड़ेगा। और आज तो मैं ये स्टैंड होता है ना जो फ़ोन का, वो भी भूल गई हूँ मार्केट में, तो हाथ से ही वीडियो बनाने पड़ रही है मेरे को। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो चलिए फटाफट से पहले किचन में चलते हैं और चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चाय पिए और उसके बाद देखती हूँ आगे की ब्लॉगिंग करूँगी। ये रहा किचन और यहाँ पे पूरा अंधेरा है क्योंकि लाइट तो है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है और मेरे को ऐसे अंधेरे में ही चाय बनानी पड़ेगी। दोस्तों आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी आलू के पराठे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आलू लूंगी। तो आलू हमारे खेत के ही हैं जो हमने निकाल के रखे हुए हैं, तो वो आलू यहाँ अंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पे ना लाइट नहीं है, वो आपको ज़्यादा दिख रहा है। दोस्तों कमरे में बिल्कुल भी अंधेरा है क्योंकि लाइटें है नहीं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये हमारे आलू हैं जो हमारे खेतों में लगा रखे थे और अभी हम इनको थोड़ा थोड़ा करके निकाल ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हैं हमारे खेत के आलू और थोड़ा सा वहाँ पे भी रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं, तो इनसे ही मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं और हम तो तीन ही लोग हैं, तीन लोगों के लिए इतना काफ़ी होता है और प्रीशु भी है, प्रीशु तो बहुत कम खाएगी। तो दोस्तों ये जो घर के आलू होते हैं इनको निकाल के ऐसे फैलाना पड़ता है, नहीं तो ये सड़ जाते हैं क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और मिट्टी गीली होती है, तो गीली मिट्टी से आलू सड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए हमने इनको ऐसे फैला के रखा हुआ है। देख सकते हैं मुझे ऊपर से नीचे जाने के लिए भी इतनी भयंकर बारिश। ये ले लिए हैं मैंने आलू और अभी फटाफट से आलू के पराठे बनाते हैं। तो लाइट भी आ गई है और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस और आटा भिगाने के लिए रखा हुआ है, तो अभी से पराठे बने। चाय के लिए गिलास बिल्कुल। दोस्तों अभी चाय बन गई है और बारिश भी थोड़ा सा कम हो ही गई है, तो फिलहाल चाय पीते हैं। बारिश की बूंदे गिर रही है चाय में। आप दोस्तों आलू पक चुके हैं और अब इसे हम छिलका उतारेंगे। दोस्तों अभी आलू भी छिलके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारा मसाला पड़ता है, प्याज पड़ते हैं, मिंट पड़ता है, लेकिन अभी इनको मैं बिल्कुल सादा ही बनाऊंगी क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो प्याज लहसुन तो हम लोग खाते नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही सादा बनाऊंगी, इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। अब पुदीना मैं खेतों से ला नहीं सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊंगी। दोस्तों मसाले बिल्कुल, मतलब जो इसके अंदर का मसाला होता है पराठे के अंदर का, जो आलू का मसाला होता है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं बनाऊंगी 9 पराठे। तो मैंने 9 गोले अंदर से तैयार कर रखे हैं आलू के गोले और बस मैं अब आटे के गोले बनाऊंगी, देन फटाफट से हम लोग बनाएंगे पराठा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने इसको कद्दूकस किया है आलू को और उसमें मसाले मिलाए हैं, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग मिला सकते हैं। और अभी मैं सावन के महीने में बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू के पराठे कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने ये फटाफट से आपको दिखाया है और अभी हम चलिए फटाफट से इनको पकाते हैं तवे पे। दोस्तों ये मैंने आटा लिया था और इसके अंदर ये आलू को पैक करेंगे सबसे पहले।
तो अभी मैंने पराठा बेल के तवे पे डाल दिया है। तो पहले इस पे हम हल्का सा एक सिकाई सेक आने देंगे, एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा, फिर उस पे ऑयल लगाएंगे। पहले ही हम ऑयल नहीं डालेंगे, अगर पहले ही डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हमारे पराठे हो जाएंगे। और जब एक तरफ बोल के ऐसे हो जाएंगे फिर उसके ऊपर से हम लोग इस पे ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे पराठे ज़्यादा ऑयली ना हो। इस तरह से ऊपर से ऑयल लगाएंगे और इस तरह से जब ऑयल लगाते हैं तो ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है और पराठे जो हैं ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनते हैं। फिर इस तरफ पलटाया, फिर इस पे ऑयल लगाते हैं। दोस्तों हमारा पराठा बिल्कुल सिक चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं दोनों तरफ से सिक गया है, दोनों तरफ से ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट से ऐसे ही सारे पराठे बना लेते हैं। यहाँ पे प्रीशु बैठ के आम खा रही है, अभी अभी उठ के आई है और सीधे आम खाने पे लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आधा आम तो इसने खा भी लिया है। पूरा खत्म करो बेटा, ठीक है खा लो। दोस्तों आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। और ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाए और बहुत आसान तरीका आप लोगों को समझाया इसको बनाने का। और आप देख सकते हैं ये खाने में भी काफ़ी सॉफ्ट हैं और बिल्कुल सादे हैं, इसमें कोई प्याज लहसुन कोई ऐसे मसाले नहीं हैं और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादे हैं और काफ़ी टेस्टी बने हैं ये। और इतने सारे पराठे बनाए हैं मैंने, तो चलिए पहले तैयार होते हैं मार्केट के लिए। दोस्तों यहाँ पे चाय बन गई है और ये है पराठे। पराठे और चाय खाने का मजा ही कुछ और है बरसात के टाइम पे। खाओ तो बेटा, आप भी खाओ, मना थोड़ी ना किया, तो खाओ। प्रीसु अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई है, बस अभी लेटी हुई है। हम लोग मार्केट के लिए तैयार हो चुके हैं और ये लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मोगली देख रहे हैं। प्रीसु को सुबह मोगली जंगल बुक चाहिए होता है देखने के लिए। और मौसम भी थोड़ा साफ हो गया है, बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, अब खा के फटाफट से मार्केट के लिए निकलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर। दोस्तों हम लोग रास्ते में पहुंच गए हैं और फिर से कोहरा लग गया है चारों तरफ, आप देख सकते हैं वडला धार का व्यू है। तो अभी पूरी चारों तरफ कोहरा लगा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।